राज्य सरकार में थे, राज्य सरकार से आए तो बाबा मखदूम में आए, बाबा मखदूम से अब हाजी मगन में हाजरी लेने आए। अखबार आते हैं, ग्रुप में आते हैं, कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं। हाँ, आपकी सरकार का कर्म हुआ, अचानक बैठे थे, सरकार ने पुकारा, वहाँ से हम चल दिए। अरे हाँ, हम जहाँ से पुकारे वो वहीं से सुने। ऐसी लंबी समाज पे लाखों सलाम। हाँ, तो हमारे मगनगिरी का करम है, रहम है। आप मिल गए, मेरे से बहुत अच्छे लगे। और आपका जो भी है तो मैं हाँ दुआ आपके लिए करता हूँ। अल्लाह रहम है, रहम कर दे, करम है, करम कर दे, संगे दिल को मोम कर दे, मौला अली को वकील कर दे। अल्लाह अपने रसूल के सदक़े में मलंग धनी के दरबार में आपका बेड़ा पार कर दे, हर मुश्किल आसान कर दे। बहुत अली मौला अली। और आपका वीडियो दुनिया देखेगी। ये सरकार की क्रम है, बज रहे 3:30। हाँ, 3:30 बजे का फरियाद बहुत जल्दी सुन लेते बाबा मलंग। हाँ, तो हम क्या कोई भी आदमी है आपका, जो भी सिखिया लोग रहे, चाहे भाई रहे, चाहे बहन, तो उनकी जो भी कष्ट है, पथरी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, बवासीर हुआ, औलाद नहीं है, उनको जो भी है करम है बाबा, सब पूरा यहाँ हो जाएगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा, मुझे मालूम है। आप लोग सरकार के सखी लोग हो, आप लोग शिफा कराने वाले, शिफा देने वाले, सरकार से खुशामद करने वाले, सरकार की इलाज बताने वाले आप लोग, मुझे मालूम है। जो किसी सह की चौपड़ी में नहीं होता है, फकीर की खोपड़ी में होता है, समझे। बस बाबा आप लोग की दुआ है कि मालिक की ऐसी कामत है कि यहाँ आने वाले जो भी है सब अच्छे, सब बढ़िया हो। ठीक है, इंशाअल्लाह। हमको बहुत मिलते हैं बाबा, ये बात बाबा वो बात। क्या नाम है? हाँ, ये झंडा कहाँ से है? ये झंडा मौला अली का आलम है। झंडे से क्या होते बताइए? झंडे के कुछ बोल देते ना कि झंडे का फरियाद बताइए। ये झंडे का फरियाद ये है, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का और गौस पाक का, मेरे और हुसैन पाक का और मेरे रसूल पाक का इसमें ऐसी करम है कि जब से ये पंखा चलने लगा तब से इस हिंदुस्तान से कोरोना भाग गया। 3 महीना पंखा चलाया और 3 महीने के अंदर कोरोना भाग गया। लॉकडाउन भी टूट गई, कोरोना को सब भूल गए, कोरोना का नाम भी कोई नहीं लेता। बाबा ऐसी दुआ करे, माता बहन मेरे पिता जो भी कोरोना काल से जो भी है संकट से मुसीबत से बचे मेरे मालिक, फिर ये बीमारी ना आए, कभी कभी नहीं आएगा। हाँ, कभी ना आएगा। लेकिन वो लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि न तख्त जाएगा, न ताज जाएगा, कब्र में दीवाने तेरा अमाल जाएगा। एक रुपये के लिए अमाल दुनिया खराब करके रखी है। ओहो, कहते हैं जिसके चेहरे पे नूर होता है उसे बेहद गुरूर होता है, और आज तक बेगुनाह किश्ती किसी की नहीं डूबी, कुछ इशारा ज़रूर होता है। तो दुनिया अपना इशारा करना कम कर दे तो अल्लाह रहम करम कर दे। जरूर जरूर करेंगे अल्लाह करम। अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है। उसका नबी का नाम ले लो, मौला अली का नाम ले लो, हुसैन पाक का नाम ले लो, कोई भी वली अल्लाह का नाम ले लो तो वो बचल जाता है। और उससे मांगते रहो तो वो कुछ नहीं देता है। अरे देंगे ना, मैं बोला ना, अल्लाह किसका है? मेरे नबी का गुलाम है। हाँ, मेरे नबी, ओहो, पैदा किया है रब ने, जिलाते हैं मुस्तफ़ा और खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। हाँ, चलो फिर क्या है मेरे सरकार सुल्तान धनी, आपके दरबार के सब फूल ऐसे हैं बगैर पानी के तर होते, मुरझाया नहीं करते। से सरकार, ये बेना बहुत अच्छा है बाबा आपका। ये बेना का हवा जिसको लगेगा हर कष्ट हर बीमारी दूर हो जाएगा बेने से। अल्लाह रहम करम कर देता है। आप कहाँ से आए बाबा? मखदूम बाबा साहब? नहीं, मखदूम बम्बई मखदूम बाबा से आए। हाँ, माहिम माहिम मखदूम, घर घर शादी घर घर धूम। हाँ, नारा लगाओ बाबा का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पाक करम करम है, इसलिए तो बाबा करम करम ही है। और झूले जन्नत में झूले बाबा, ये बीच वाले बाबा हैं। ये मेरे बंदे थे क्या? हम लोग दोनों ही। मेरे मौला एक नजर कर दो मेरे मौला पीर मुर्शिद के सदके में मेरी पीर के अब्दा का